फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि जेट एयरवेज के रिवाइवल के लिए सिनर्जी ग्रुप एक भारतीय कंपनी की तलाश कर रहा था, ताकि वे उस भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके जेट एयरवेज को उड़ा सके। तो फ्रेंड्स, अब सिनर्जी ग्रुप की वो तलाश अब खत्म हो चुकी है। हम आगे इस वीडियो में आपको उस भारतीय कंपनी का नाम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, 17 दिसंबर को हुए NCLT की मीटिंग में जेट एयरवेज के रिजुलेशन प्रोफेशनल आशीष छछरिया ने ये बताया था कि दो कंपनियों ने जेट एयरवेज में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन उन्होंने सिनर्जी ग्रुप के अलावा दूसरी कंपनी का नाम नहीं बताया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि ये दूसरी कंपनी हैदराबाद बेस्ड टर्बो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने कि जेट एयरवेज के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टर्बो एविएशन की शुरुआत वी उमेश ने की है। टर्बो एविएशन को 100 मिलियन पाउंड की फंडिंग एक यूके बेस से मिली है, और वह 2020 तक अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी ट्रू स्टार लॉन्च करने का प्लान बना रही थी। फ्रेंड्स, अभी तक टर्बो एविएशन से कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है इस मामले में, लेकिन कंपनी के ही एक अन्य पर्सन के अनुसार टर्बो एविएशन जेट एयरवेज को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है। आपको बता दें कि इस समय जेट एयरवेज की वेबसाइट पर ये नोटिस आ रहा है कि कोई भी पोटेंशियल बिडर जेट एयरवेज में अपनी बोली सबमिट कर सकता है, और उसकी बोली सबमिट करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी है, और बोली सबमिट करने वाली पार्टी को 8 जनवरी तक का समय दिया जाएगा अपना रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए।